हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुज कुमार और इस वीडियो के थ्रू मैं ये बताने जा रहा हूँ जो मैंने एक्शंस किए। ये वीडियो आपको मेरे एक्शंस के बाद मिलेगी, तो पूरी वीडियो देखना, लास्ट तक देखना, तब भी आपको पता चल पाएगा कि मेरे एक्शन जस्टिफाई थे या नहीं थे। और जस्टिफाई तो नहीं कह सकते किसी भी वर्क को, क्योंकि जो मैं करने जा रहा हूँ वो जस्टिफेबल नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं बहुत थोड़ी सी पहले अपनी कहानी बताता हूँ। मैं ना बहुत अच्छा लड़का था यार, आई वॉज अ गुड बॉय। मैं कभी किसी को फालतू परेशान नहीं करता था, कभी किसी को कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलता था। पढ़ाई में बहुत अच्छा था, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था, नेशनल लेवल का प्लेयर था एथलेटिक में, बहुत सब कुछ सही चल रहा था, बढ़िया। फिर मैं कॉलेज आया, कॉलेज आने के बाद मुझे एक लड़की मिली, स्नेहा, स्नेहा चौरसिया, सेकेंड ईयर, मतलब अब थर्ड ईयर में है सोशोलॉजी मेरे साथ। एंड सी केम इन टू माई लाइफ एंड उसने मेरी लाइफ आके बदल दी पूरी। उससे पहले मैंने काफ़ी दर्द झेले हैं लाइफ में, काफ़ी प्रॉब्लम झेली थी लाइफ में। मेरी एक सिस्टर थी एंड उनकी शादी हो चुकी थी, उनका एक बच्चा भी था। एंड उस सब के बाद भी बहुत अच्छी फैमिली चल रही थी एंड सी वॉज बर्न्ड अलाइव बाई हर हस्बैंड। पता नहीं उनकी क्या गलती थी, उनकी बस यही गलती थी, वो एक अच्छी माँ बनना चाह रही थी, क्योंकि उनका बच्चा बीमार रहता था, मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपने बच्चे का ध्यान रखती थी। ये गलती थी बस, एंड सी वॉज बर्न्ड अलाइव। देन माई अंकल लास्ट ईयर ही ऑल्सो डाइड ड्यू टू हार्ट अटैक बिकॉज हर वाइफ लेफ्ट हिम। वाई? सी वॉन्टेड टू बी विद अनदर मैन। एंड अंकल ने हर चीज़ की, एवरीथिंग ही डिड फॉर हर, पैसा भी दिया, हर चीज़ दी, प्यार भी दिया, सब कुछ दिया, बट कुछ लोगों की फितरत होती है, वो नहीं बदलती है। एंड सी लेफ्ट लेफ्ट हिम एंड उनके दो लड़के थे वो भी साथ ले गई एंड उन्हें ऐसा बना दिया कि वो पापा तक नहीं बोलते थे अपने पापा को। तो वो टूट चुके थे अंदर से एंड हार्ट फेलियर की वजह से ही डाइड। तो ये मेरे काफ़ी क्लोज थे, बहुत ज़्यादा क्लोज थे ये लोग एंड उसकी वजह से मुझे मेंटल ट्रॉमा काफ़ी हुआ, काफ़ी मैं प्रॉब्लम झेली, मैंने काफ़ी सदमे में रहा मैं काफ़ी टाइम तक। बट धीरे धीरे चीज़ें ओवरकम हो गई, मैंने कर ली, स्ट्रॉन्ग हुआ, कर लिया। देन स्नेहा केम इन टू माई लाइफ, मतलब चाचा से तो पहले ही आ गई थी, चाचा वाले केस से, बट आफ्टर दीदी। एंड उसने सब कुछ ऐसा किया, मतलब ऐसा दिखाया कि जैसे बहुत अच्छी लड़की है। इसकी लाइफ में एक लड़का था अंशु, उससे वो इसे परेशान कर रहा था, ऐसा इसने दिखाया। मैंने उससे इसका पीछा छुड़वाया, उसे उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलने में इसकी हेल्प की, बिना किसी को कुछ भी बताए, किसी को कुछ पता नहीं चला, मैंने पूरी हेल्प की इसकी। आफ्टर दैट जब मैंने इसे हेल्प की, इसे मैं अच्छा लगने लगा एंड देन सी प्रपोज्ड मी। पूरा अच्छे से इसने सजाया वजाया बढ़िया से एंड अ ग्रैंड प्रपोजल काइंड ऑफ थिंग सी प्रपोज्ड मी। मैंने इसे मना किया था पहले स्टार्टिंग में, क्योंकि दो तीन दिन पहले से मुझे लग रहा था कि सी विल बी प्रपोजिंग मी। मैंने मना किया था कि ऐसा कुछ मत करना, क्योंकि मेरी लाइफ में जो मेरे अपने हैं जिन्हें मैंने अपना माना है, मैंने काफ़ी लोगों खोया है एंड आई डोंट वॉन्ट टू लूज यू, सो वी विल बी बेस्ट फ्रेंड्स बट नॉट इन अ रिलेशनशिप। वी विल थिंक अबाउट इट लेटर बट नॉट राइट नाउ। बट नहीं मानी, सी प्रपोज मी इन अ वेरी गुड मैनर, ग्रैंड मैनर, सो आई कुड रेजिस्ट। आई एक्सेप्टेड हर प्रपोजल एंड देन वी केम इन अ रिलेशनशिप। आफ्टर दैट कुछ टाइम बहुत अच्छा चला, बहुत बढ़िया चला, सब कुछ हमारे दोनों के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से चलता था। मुझे लगा था सब कुछ अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, बढ़िया है, हमें लगता था कि बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, बट ऐसा था नहीं, रियलिटी कुछ और ही थी। लास्ट ईयर जब मेरे अंकल की डेथ हुई, तो मैं अपने बर्थडे पर घर गया हुआ था एंड देन वो यहीं पर रुकी हुई थी। सी स्टार्टेड चीटिंग ऑन मी फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स।
वो भी किसके साथ? एक मैस वर्कर के साथ जिसका नाम था आशुतोष पांडे। इसने कुछ पता नहीं चलने दिया बिल्कुल भी। जब मैं सो जाता था रात में, उसके बाद उससे मिलने जाती थी। वीएच के पीछे कैमरा चेक करवा सकते हैं आप। जब मैं सो जाता था उसके बाद ही उस पर कॉल पे मैसेज पे बात करती थी, और जब मुझसे मिलने आती थी सब कुछ डिलीट करके आती थी। वो मुझे कैसे पता चला? पूरे 1 साल तक इसने चीट किया मुझे, एंड उस बंदे के साथ इतने सब कुछ किया जो कर सकती थी, जो मेरे साथ भी करती थी, लाइक इन अ रिलेशनशिप, फिजिकल रिलेशनशिप, एवरीथिंग सी डिड। और उसके बाद मुझे पता चला जब हमारी लास्ट दिसंबर थोड़ी लड़ाइयाँ बढ़ने लगी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, क्योंकि पहले ऐसा था कि ये सब कुछ समझने लगती थी, समझती थी, मैं भी सब समझता था, अंडरस्टैंडिंग थी, बट उसके बाद क्या हुआ, चीज़ें बिखरने लगी, संभलने बंद हो गई। तो मैं इससे काफ़ी बोलता था कि स्नेहा यू आर चेंजिंग, ये हमारे रिलेशनशिप को प्रॉब्लम में ला सकता है, तुम बदल रही हो, चेंजेस आ रहे हैं तुम्हारे अंदर, लुक इन टू दैट। बट उन्हें तो भूत सवार था। तो जब चीज़ें सामने आई, एक दिन अचानक रो रही थी ये, तो मुझे बुलाया इसने, और इसने मुझे पूरा स्टोरी बता दी कि मैं अब तुमसे मिल नहीं पाऊँगी अब कभी भी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, चीट किया है, ये किया है, वो किया है, अब मैं मिल नहीं पाऊँगी। तो मैं तो पूरा सोक था पहली बात तो, ये क्या हो गया मेरे साथ। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि चलो ठीक है, मैंने तो सच्चा प्यार किया था, इसने चल चाहे नहीं किया, मैंने तो सच्चा प्यार किया था अपनी तरफ से, मैं तो सच्चे दिल से इसे अपनाया था, अपना माना था। आजकल ऐसा होता नहीं, लोग छोड़ के चले जाते हैं, लोग हल्का सा किसी के बारे में सुन लें उसके बाद मुड़ के देखते भी नहीं हैं। तो मैंने इससे पूछा कि अब क्यों बता रही हो फिर मुझे, अगर तुम्हें जाना है उसके साथ रहना है ठीक है, यू कैन गो, मैं नहीं रोकूंगा तुम्हें, और मैं कुछ करूंगा भी नहीं ऐसा। तो बोले नहीं, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, और वो मुझे अच्छा लड़का नहीं लगा, वो मुझे टॉर्चर कर रहा है हर तरीके से, मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, और मुझे इस चीज़ से बाहर निकालो। तो मैंने फिर भी सब कुछ भूलते हुए उसे उस चीज़ से बाहर निकाला, बहुत हेल्प की उसकी, सेफली उसे बाहर निकाला, किसी को कुछ पता नहीं लगने दिया, सबको ये जिसको भी पता लगा सबको ये लगा कि हम रिलेशनशिप में थे, उसकी हमारे पास एक पिक थी, और वो मैं ब्लैकमेल कर रहा था इस लड़की को कि या तो मैं तेरे घर भेज दूंगा ये पिक, या फिर मेरे साथ रिलेशनशिप में आ। तो सबको हमने ये कहानियाँ बताई, जबकि ऐसा रियलिटी थी नहीं, पूरी रियलिटी थी ये थी 1 साल से वो इस बंदे के साथ रिलेशनशिप में थी, और उसके पास सारे रिकॉर्ड्स थे, सब चीज़ चैट्स वगैरह होती हैं रिलेशनशिप्स की। तो लास्ट में इसने ये करना स्टार्ट कर दिया था कि उसे मना करना स्टार्ट कर दिया था कि नहीं यार मैं तेरे साथ नहीं रहूँगी, तेरा हो गया बस, ये हो गया मैं फिर। लेकिन हर एक बार इंसान इमोशनली कनेक्ट हो जाता है तो प्रॉब्लम होती है ना, तो उसने थोड़ा सा करने की कोशिश की कि रुक जा रुक जा, इसने नहीं माना, थोड़ा इसने जो भी बोला होगा तो वो उससे सहन नहीं हुआ, और वो ब्लैकमेल पे स्टार्ट हो गया। वो उसने भी मना किया था सब कुछ, उससे मेरी बात हुई थी कॉल पे, उसने सब कुछ बाद में मुझे सबका ही सच्चाई बताई। उसने पहले मना किया था कि तुम अनुज के साथ रिलेशनशिप में हो, मेरे साथ बताओ। तो इसने क्या बोला, इसने बोला कि अनुज को पता ही नहीं लगेगा, और हम ठीक है, हम अच्छे से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अनुज को कुछ पता ही नहीं लगने देंगे, और सब कुछ सही चल रहा है। हाँ, वो लड़का भी गलत था, उसने जब ये जब इसने ये कहा कि अनुज को पता ही नहीं लगने देंगे, तो उसे समझ जाना चाहिए था कि जब ये ऐसी लड़की है तो कुछ भी कर सकती है, बट वो नहीं समझा, इंसान जल्दी से नहीं समझता है, प्यार में पागल हो जाता है। तो ये वाला सीन था उसका। वो मैंने इसने इतना बड़ा वो किया, उसके बाद भी मैंने इसे माफ़ कर दिया, इसके साथ दोबारा रिलेशनशिप में आया, ये मेरे सामने रोई कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे एक चांस दे दो, मैंने इसे एक चांस दिया। उसके बाद ये घर गई, घर जाने के बाद क्या हुआ, न्यू ईयर पे इसने बोला कि कुछ दिन मुझे घर जाना है, यहाँ का माहौल सही नहीं लग रहा, मैं डिप्रेशन में आ रही हूँ उस लड़की की वजह से, क्योंकि उसने काफ़ी मुझे ब्लैकमेल किया है, तो मैं घर जाती हूँ, घर जाने के बाद आके सब हम नई स्टार्टिंग करेंगे। मैं बोला ठीक है, ओके फाइन, गो होम। ये घर जाने के बाद आई और इसके तेवर ही बदल गए, चीज़ें बदलनी स्टार्ट हो गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस चीज़ें बदलनी स्टार्ट हो गई। मैंने काफ़ी बार पूछने की कोशिश की, चीज़ें सोल्व करने की कोशिश की, लेकिन वो उतनी बिगड़ती रही। एक दिन इसने बोल दिया मुझसे कि ब्रेक चाहिए मुझे। मैं कैसा ब्रेक? बोले हमारे रिलेशनशिप से ब्रेक चाहिए। मैं कब तक का? बोले मुझे ये नहीं पता कब तक का, बट मुझे ब्रेक चाहिए। तो मैं कह
ये होप तो रख सकता हूँ क्या, नहीं तुम वापस आओगी? बोले नहीं, ये होप मत रखो कि मैं वापस आऊँगी, मुझे अभी कुछ टाइम सिंगल रहना है और मुझे पता नहीं मैं सिंगल रहने के बाद कैसे बदल जाऊँ, क्या हो जाए मेरे साथ, तो ये होप बिल्कुल मत रखो। ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं हो रही थी मुझसे, क्योंकि एक एहसान नहीं बोलो, जो भी बोलो यार, सच्चे दिल से 2 साल प्यार ही किया है इसे मैंने, अपना माना, सब कुछ इसे सब कुछ सौंपा है मैंने, इतना कुछ झेला है लाइफ में, उसके बाद इसे सब कुछ बताया था कि यार तुम मत बदलना, चाहे तुम मुझे, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आ रही हो, मुझसे कोई दिक्कत आ रही हो, तो कुछ भी बोल दो, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, अपना हर चीज़ बदलने को तैयार हूँ, बट तुम वापस मत छोड़ के मत जाना। मतलब ऐसे डिड द सेम, सब कुछ मैंने करने के बाद भी इसने मुझे छोड़ ही दिया, तो मुझसे वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं हो रही थी। मैंने काफ़ी मनाने की, समझाने की इससे कोशिश की, काफ़ी रोया इसके सामने, बट इसने तो मेरी कहानी बदल दी। इसने सबके सामने, जितने अपने दोस्त थे, जितने अच्छे लोग थे इसके आसपास, उनसे सबसे ये कहानियाँ बताई कि अनुज मुझे टॉर्चर कर रहा है, मैं हम रिलेशनशिप में थे बट अब मैं निकलना चाह रही हूँ कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, पर्सनल रीजंस की वजह से, और अनुज मुझे निकलने नहीं दे रहा, वो मुझे टॉर्चर कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है। और उसने ये तक भी बोला कि अनुज ने मुझ पर हाथ उठाया, अनुज ने मुझे लातों से मारा। यार जिस इंसान को इतना प्यार किया, जिस इंसान को सब कुछ जानने के बाद इतना उसने किया, उसके बाद भी उसकी हेल्प की, उसके बाद भी उसे उस चीज़ से निकाला, यार सारे प्रूफ्स मैंने अपने दोस्तों को दिखाए हैं, हर चीज़ कि क्या था क्या नहीं। अब मैंने सारे प्रूफ्स डिलीट कर दिए, लोग प्रूफ्स की वैल्यू करते हैं ना, लड़की या लड़का जो भी, मोस्टली लड़कियां, अगर एक बार दो आंसू बहा दें तुम्हारे पास आके और थोड़ा सा अच्छे से रो दें, कहानी बना दें, तुम यकीन कर लोगे, यही दुनिया की रियलिटी है। लेकिन लड़का 1000 प्रूफ देता देता थक जाएगा, बट तुम बिलीव नहीं करोगे। पर मुझे इस चीज़ से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा कि तुम बिलीव करो ना करो, जो मुझे कन्फेस करना था मैं वो कन्फेस करके जा रहा हूँ, बस जो मैंने किया मुझे कन्फेस करना था इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो आगे कहानी चलते हैं, आगे क्या हुआ फिर, ये सब चीज़ें बदलने लगी, इसने ये सब कहानियाँ बनाई, मेरी कंप्लेंट भी की डीन ऑफिस, जहाँ भी इसने 2-3 जगह मेरी कंप्लेंट की, वहाँ मुझे बुलाया गया, मैंने अपनी पूरी कहानी बताई सच्चे दिल से, वो उन्होंने बिलीव की, मुझे ऐसा लगा उस टाइम उन्होंने बिलीव की, लेकिन उन्होंने मेरे लिए कुछ किया नहीं, उसने उसकी कंप्लेंट वहाँ ख़त्म कर दी बट मेरे लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि यार ऐसी लड़की ने जब मेरे साथ इतना किया है, उसके साथ मैं मेंटली फिजिकल हर तरीके से टॉर्चर हो रहा हूँ, मैं अपनी, मेरी पढ़ाई अफेक्ट हो रही है, मेरी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रही है, उस चीज़ का उसे कोई पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए। वो ऐसी लोगों के साथ आए, खेले और चली जाए, उसे कोई फ़र्क न पड़े। फिर आगे क्या हुआ, मैंने काफ़ी कोशिश की, मैंने ये तक बोल दिया उसे कि एटलीस्ट दोस्त बन के रह ले, बट उसने मानना बिल्कुल मना कर दिया। ठीक है, ओके फाइन, मैंने वो भी चीज़ एक्सेप्ट कर ली उस टाइम पे, जब मुझे लगने लगा कि अब ये नहीं आ सकती वापस। उसके कुछ दिन बाद मुझे पता लगता है कि वो अभी एक नए रिलेशनशिप में है, और वो कब से है, जब से उसने मुझे छोड़ा है, उससे पहले से। तो मुझे नई रियलिटी पता चलती है कि उसने मुझे इसलिए छोड़ा कि उसे दूसरे रिलेशनशिप में जाना था, एक और वो बंदा है, करण नाम है उसका, यहाँ वीडियोग्राफी करने आता था, बाहर का एजेंसी का लड़का है, समर स्कूल यहाँ होता था तो उसमें वीडियोग्राफी करने आता था, वो फ़ोटोज़ वगैरह लेने, और वो जब आता था यहाँ पे तो इससे, हम समर स्कूल में काम करते थे तो इससे काफ़ी फ्लर्ट करता था, पर लेकिन उस टाइम हम रिलेशनशिप में थे तो मैं इसे बचा के रखता था, मैं उसे बोलता था कि वो लड़का अच्छा नहीं है, फ्लर्ट करता रहती है, और फ्लर्ट अच्छी वाली नहीं, गंदी वाली फ्लर्ट, पर ये नहीं समझी उस चीज़ को, पर ये उसी के साथ रिलेशनशिप में चली गई। यार प्रॉब्लम ये नहीं कि किसी बंदे के साथ रिलेशनशिप में चली गई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसने मुझे छोड़ा, ये प्रॉब्लम नहीं है। मेन चीज़ पता है क्या है, जब इंसान अंदर से कब टूटता है, इंसान अंदर से तब टूटता है जब तुम्हें सब कुछ झूठ बोल रहा होता है, तुम्हारे सामने दिखावा कर रहा होता है, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा होता है, और साइड में मजे ले रहा होता है, इंजॉय कर रहा होता है। एंड शी डिड द सेम थिंग, इसने सब दोस्तों को, सबको, जिसको भी बताई अपनी कहानियाँ, मुझे भी कई बार बताने की कोशिश की कि मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मैं अंदर अंदर घुट रही हूँ, मर रही हूँ, मैं दवाइयाँ ले रही हूँ, डॉक्टर्स के पास जा रही हूँ, डॉक्टर्स थेरेपीज़ ले रही हूँ, जबकि ऐसी रियलिटी थी ही नहीं। रियलिटी तो ये थी, उससे मिलने जाती थी, उसके घर जाती थी, होटल्स में जाती थी उसके साथ, सबको ये बता के जाती थी मैं डॉक्टर से मिलने जा रही हूँ, लेकिन ये उसके पास जाती थी, और ये तब से स्टार्टिंग से स्टार्ट था।
जब से इसने मुझे छोड़ना स्टार्ट किया, उससे पहले से थोड़ा इसने मेरा यूज़ किया, पहले उस बंदे से निकलने के लिए, अफसोस पांडे से बचने के लिए, क्योंकि वो इसे ब्लैकमेल कर रहा था, और मैं ऐसी सेम सिमिलर केस में इसे एक बार निकाल चुका था जब इसका सबसे स्टार्टिंग वाला केस था, अंशु वाला, वो लड़का इसके घर के सामने रहता था, उसे उस टाइम बड़ी आसानी से मैं निकाल चुका था। तो इसे लगा कि ये मुझे प्यार करता है, सच्चा प्यार करता है, इसका यूज़ करो, इसे इस चीज़ से निकाल दो, उसके बाद इसे लात मार देना। इसने मेरे यूज़ किया उस चीज़ से इसे निकलने में, और मैंने निकाल भी दिया, मैं पागल हूँ। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कहानी बदल गई, यूज़ कर लिया, उसके बाद मुझे छोड़ दिया। आफ्टर दैट जब ये पता चला मुझे कि ये इतने दिन से भी मेरा पागली बना रही है, सब लोगों का पागल बना रही है, सबको झूठ बोल रही है, ये चीज़ मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ये चीज़ कोई भी इंसान एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ठीक है यार, तुम रिलेशनशिप में कंपेटेबल नहीं हो पा रहे, सब तो सबसे पहली चीज़ क्या की जाती है, जो चीज़ें जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉर्ट आउट किया जाता है, रिलेशनशिप तो ख़त्म नहीं कर दिया जाता ना एकदम ऐसे ही नॉर्मली कि आए ख़त्म कर दिए एकदम, चीज़ें सॉर्ट की जाती हैं। इसने सॉर्ट करने की कोशिश ही नहीं की कभी, सबको ये बताया मैंने बहुत कोशिश की बट कभी किया नहीं, रियलिटी ये है। बट मैं सबको कैसे प्रूव करूँ, फैक्ट कैसे दूँ, क्योंकि हर दुनिया तो फैक्ट्स पे चलती है, प्रूफ्स पे चलती है, तो मेरे पास कोई फैक्ट प्रूफ है नहीं इसे इसके साबित करने के लिए कि इसे सज़ा मिले उस चीज़ की, कोर्ट में इसके पास केस करूँ या ICC में, जहाँ भी। बट मुझे पनिशमेंट तो इसे मिलनी चाहिए थी जब इसने जो किया है, मैंने अपनी लाइफ बर्बाद की है इसके चक्कर में, इसके लिए सब कुछ किया, लोग कहेंगे अब लाइफ तूने इसके चक्कर में क्यों बर्बाद कर ली, सही कर लेता, मूव ऑन हो जाता, इतना आसान नहीं होता है। जब इंसान किसी से कनेक्ट हो जाता है, जब इसे अंदर से कनेक्ट हो जाता है, अंदर से अपना मानने लगता है, तो नहीं हो पाता है मूव ऑन। एक माँ होती है, एक बेटा होता है, अगर बेटे को कुछ हो जाए, माँ को कुछ हो जाए, तो बेटा कुछ दिन याद रखेगा, कुछ साल याद रखेगा, मूव ऑन हो जाएगा, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर बेटे को हो जाए कुछ, माँ जिंदगी भर याद रखेगी, जिंदगी भर रोएगी अपनी आखिरी सांस तक, चाहे बेटा वो कितना ही गलत है, कितना ही बुरा है, कुछ भी है, वो अपने बेटे को नहीं छोड़ेगी, चाहे उसका बेटा टेररिस्ट क्यों ना है, माँ अपने बेटे को कभी नहीं छोड़ती प्यार करना। तो ऐसी मेरे साथ भी है, लोग होते हैं ऐसे रियलिटी में। अब लोग बोलेंगे उसने तो उसे जन्म दिया था इसलिए ऐसा करती है माँ, ज़रूरी नहीं होता यार, ऐसी दुनिया है, अभी भी लोग हैं ऐसे जो एक बार कनेक्ट फील कर ले तो ज़िंदगी भर रहते हैं, वो नहीं निकल सकते उस चीज़ से। मैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी इस चीज़ से निकलने की, मतलब ठीक है मैं एक तरफा प्यार करके भी जी सकता था अगर ये ऐसी चीज़ नहीं करती, ये धोखा नहीं देती, दो बार, एक बार नहीं दो बार, मतलब इतना प्यार किया मैंने इसे, इतना बचाया लोगों से, इस उस बंदे से बाहर निकाला इसे, उसके बाद भी इसने क्या किया, जब मैं इसे बार बार बोल रहा था कि मत जा छोड़ के, प्लीज़ मत जा, इससे रिक्वेस्ट कर रहा था, जब इसने हर तरीके अपना लिए, काम किया, और जब नहीं हुआ तो इसने क्या करना स्टार्ट कर दिया, मेरे खिलाफ़ चीज़ें भड़कानी लोगों को स्टार्ट कर दी कि कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए ताकि मैं कैंपस से ही निकल जाऊँ, कैंपस या खुद छोड़ के चला जाऊँ बदनामी के चक्कर में, या मुझे कैंपस वाले निकाल दें। तो इसने कम चीज़ें कि अनुज मुझे मारता है, टॉर्चर करता है, ये करता है, वो करता है, अनुज ऐसा है, अनुज वैसा है, सबको ये चीज़ें बताई, रो रो के बताई, तो रो के तो भाई एक बार लड़की बता दे, फिर घंटा तुम 1000 फैक्ट्स दिखा दो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यही चीज़ मेरे साथ भी हुई, तो ये केस हुआ, तो ये चीज़ मैं, इस चीज़ ने मुझे अंदर से तोड़ दिया, अंदर से मैं सबके सामने हंसता हूँ, खेलता हूँ, सब कुछ मज़े लेता हूँ, बट अंदर से टूटा हुआ हूँ, ख़त्म हुआ अंदर से, बिल्कुल बिखरा हुआ हूँ। मैं डरता हूँ, मुझे डर बैठ गया मेरी ज़िंदगी में कि अब मैं कभी किसी के साथ रिलेशनशिप में आ भी पाऊँगा या नहीं, मैं किसी पर भरोसा कर भी पाऊँगा या नहीं, इतना भरोसा करने के बाद, इतना कुछ करने के बाद किसी के लिए, जब ऐसा हो तो ज़िंदगी में इंसान के सब कुछ चला जाता है, मैं भरोसा नहीं कर सकता अब किसी पर, भरोसा तो छोड़ो मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकता, रिलेशनशिप छोड़ो मैं किसी के साथ नहीं रह सकता, हर इंसान को सबकी नज़रों से देखता हूँ, हर इंसान को गलत तरीके से देखता हूँ कि ये भी झूठ बोल रहा होगा, ये भी ऐसा कर रहा होगा, लोग कहेंगे हर इंसान एक जैसा नहीं होता,
बट एक बार जब तुम्हारे अंदर ऐसी चीज़ होती है ना तुम्हारे साथ, तो तुम्हारा दुनिया पर से विश्वास उठ जाता है। और यही मेरे साथ हुआ, टूट गया अंदर से, बिखर गया बिल्कुल। उसके बाद एक चीज़ और हुई मेरे साथ, मुझे ब्रेन कैंसर हो गया, थर्ड स्टेज। काफ़ी लोगों को मैंने ये बात बता दी, लेकिन अपने पेरेंट्स को नहीं बता पाया। उन लोगों को मैंने बता दिया कि हाँ, मैं पेरेंट्स को बता दिया, लेकिन नहीं बता पाया। मुझसे हिम्मत नहीं हुई मेरे अंदर कि मैं अपने पेरेंट्स को बता पाऊँ, क्योंकि रिस्क ज़्यादा है। ओनली 10% चांसेस आर देयर ऑफ सर्वाइवल आफ्टर सर्जरी, और अगर सर्जरी नहीं करवाते तो मेरे पास नेक्स्ट मैच 2 साल है। तो मैं ये चीज़ नहीं बता पाया अपने पेरेंट्स को, क्योंकि वो अंदर से टूट जाते हैं। मैं नहीं देख सकता टूटते हुए। अभी इसलिए बता रहा हूँ कि मैं चला जाऊँगा, मुझे नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा, बट मैं नहीं देख सकता ये चीज़। मैं बहुत टूट चुका हूँ। सेल्फिश कह लो, कायर कह लो, डरपोक कह लो, मॉन्स्टर कह लो, जो भी मुझे बोलना है बोल सकते हो। मैं ये चीज़ मुझसे सहन नहीं होगी, मुझे माफ़ कर देना हो सके तो। ऐसे इंसान को जीने का कोई हक नहीं है जो कई लाइफ बर्बाद करे। अभी वो एक इंसान के साथ है जिसके साथ है, करण के साथ। जिस तरीके से मैंने उनकी सारी चैट पढ़ी है, एक बार उसका लैपटॉप मुझे मिल गया था, मैंने चैट्स पढ़ ली थी, मुझे तभी पता चला था। जिस तरीके से उससे बात करती है उसका भी यूज़ कर रही है, कुछ टाइम बाद उसे भी छोड़ दी। एक वो लाइफ ख़राब, लोगों की लाइफ में आती रहे, कनेक्ट होती रहे, फिर जब अपना मन मर जाए छोड़ती रहे। किसी न किसी को तो सज़ा देनी पड़ेगी ना, किसी न किसी को तो पनिशमेंट देनी पड़ेगी। नहीं सही, हाँ इस चीज़ में मैं मॉन्स्टर, भले से मुझे मॉन्स्टर बोल दो। कुछ सही करने के लिए कई बार कुछ गलत करना पड़ जाता है, तो वही मैं सही करने जा रहा हूँ। इसके पेरेंट्स से भी माफ़ी मांगता हूँ हाथ जोड़ के, कि आपके, बस यही बोलता हूँ कि आपकी लड़की कहलाने लायक नहीं है, वो इंसान कहलाने लायक नहीं है। और अपने पेरेंट्स से भी यही बोलता हूँ, प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। आपके लड़के ने सच्चे दिल से एक लड़के को प्यार किया था, एक इंसान की कदर की, कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, बहुत मेहनत की लाइफ, तो उसके साथ बहुत गलत हुआ। तो मैं एक अच्छा बेटा तो नहीं बन पाया, एक अच्छा इंसान ज़रूर बनूंगा, कि एक ऐसे इंसान को सज़ा ज़रूर दे दूंगा जिसने काफ़ी लोगों की लाइफ बर्बाद की है। तो चलो चलते हैं, अलविदा, बाय।